हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का वीडियो होने वाला है फिर से कटिंग और स्टिचिंग पर। आज मैं आप बहुत ही प्यार से कॉर्ड सेट की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए हम करेंगे एक साड़ी का यूज़। ये कॉर्ड सेट बनाने के लिए जो साड़ी मैंने चूज़ की है वो है इस तरह की। ये ऊपर और नीचे की तरफ दोनों तरफ आपको ये बॉर्डर्स मिल जाएंगे। पूरी साड़ी में इसी तरह के कलर्स हैं, बहुत ही प्यारे से कलर्स हैं। इस तरह का ये इसका प्रिंट था कि कॉर्ड सेट जो है ना बहुत अच्छा बनेगा इससे। देखते हैं किस तरह का बनता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको भी इस तरह का कॉर्ड सेट बनाना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी वे में इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग, और एंड में मैं आपको ये आउटफिट पहन के भी दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने कुर्ती के लिए कपड़ा निकाल लिया है। कुर्ती के लिए कपड़ा किस तरह से निकालेंगे, फ्रंट और बैक का कुल मिला के जितना भी कपड़ा आपको चाहिए वो आपने कट कर लेना है साड़ी में से। तो ये मैंने 47 इंचेस जो है ना लेंथ के अकॉर्डिंग ये डबल करके कपड़ा जो कट कर लिया कुर्ती के लिए। और ये जो कपड़ा बच गया ना, इसमें से हमारी स्लीव्स निकलेंगी और साथ में निकलेगा प्लाजो। तो ये तो कपड़ा हम साइड कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। इससे एक तो कपड़ा संभालना जो है वो इजी हो जाता है, दूसरा हमें पता चल जाता है कि हमारा जो कपड़ा है कुर्ती निकालने के बाद कितना बच रहा है। अब ये देखिए, ये जो दोनों साइड के बॉर्डर्स है ना, ये एक साइड का कम है एक साइड का ज्यादा है। ये जो बॉर्डर है ना, ये मैं फ्रंट स्लीव में लूंगी। उसके लिए मैंने क्या किया कि ये दोनों बॉर्डर हमें एक बराबर चाहिए होंगे, नहीं तो क्या होगा कि जो ड्राफ्टिंग में है ना बहुत कंफ्यूजन भी होगा और एक बराबर के बॉर्डर नहीं आएंगे दोनों तरफ। तो ये मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया और इसके बराबर कर लिया। अब इसकी ये देखिए एक्स्ट्रा जो है ना, ये इसकी मैं कटिंग कर लूंगी। तो एक बराबर के ये दोनों बॉर्डर इस तरह से आ जाएंगे और ड्राफ्टिंग करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ये पूरी लेंथ से इतना फैब्रिक मैंने कट कर लिया जो एक्स्ट्रा था। अब देखिए, अभी लेंथ रखनी है इस कपड़े में से हमने, तो लेंथ कैसे रखेंगे। सबसे पहले हम बैक के लिए अलग से लेंथ कट करेंगे और फ्रंट के लिए अलग से कट करेंगे, क्योंकि ये हम जो कॉलर वाली कुर्ती बनाते हैं ना, तो उसमें बैक और फ्रंट पार्ट जो है थोड़ा सा साइज जो है ना उसका कम ज्यादा रखना पड़ता है, नहीं तो फिटिंग अच्छे से नहीं आती है। वो आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से करेंगे। कुर्ती की जो टोटल लेंथ है ना वो 45 इंचेस है, तो मैं 2 इंच बढ़ा के 47 इंचेस जो है लेंथ रख लूंगी। इस फैब्रिक के भी हमने दो पार्ट कर लिए हैं, एक पार्ट हो गया ये बैक के लिए। तो जो 47 इंचेस हमने कट किया ना, उसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। अच्छे से इसको फोल्ड करके ऐसे बिछा लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 इंच जो है मार्क कर लेना है। ये मार्किंग करने के बाद एक लाइन लगा लेंगे, उसके ऊपर अब हमने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा रखना है। ये मैंने क्लोज साइड रखी है इस तरफ को, और ये वाला जो फ्रंट पार्ट है ना ये ओपन साइड में अपनी तरफ को रखूंगी, क्योंकि हमने फ्रंट स्लिट देना है यहाँ पे। इतना तो पता चल गया कि ये हमने 1 इंच नीचे से रखना स्टार्ट करना है, और जो यहाँ पे चौड़ाई है ना, चौड़ाई में भी ये 2 इंच जो है ज्यादा लेना है, एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने फ्रंट स्लिट देनी है, फोल्ड करने के लिए कपड़ा चाहिए होगा। तो 2 इंच जो है ऐसे ही नीचे तक जो है ना मार्किंग कर लेंगे। ये जो 2 इंच हमने लिया, इसको ऐसे कर देना है फोल्ड। आप चाहें तो पूरे एक लाइन लगा लें एक बराबर करके यहाँ पे, बस इसे ऐसे फोल्ड करके 2 इंच में ऐसे फोल्ड करके इसके बराबर रख लेंगे। यहाँ 1 इंच से नीचे की तरफ इसको ऐसे बिछा देंगे। ये दोनों फैब्रिक मैंने अच्छे से बिछा के रख लिए हैं। ये दोबारा एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो है ना, ये बैक वाला पार्ट है, ये हमने 1 इंच बढ़ा के रखना होता है, और ये ऊपर जो है ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो इसको जो है 2 इंच हमने अंदर की तरफ को ऐसे फोल्ड करके रख लिया डबल करके। जो बैक वाला पार्ट है उसकी लेंथ हमने कैसे रखी, जितनी भी आपकी टोटल लेंथ है कुर्ती की उसमें 2 इंच बढ़ा के आपने बैक वाला पार्ट रख लेना है। उसके बाद फिर ये जो फ्रंट वाला पार्ट रखना है वो आपने 1 इंच यहाँ पे छोड़ने के बाद फिर बिछा देना, और नीचे की तरफ जो है एक बराबर आएगा। अब हम इसकी करेंगे ड्राफ्टिंग। शोल्डर सिंपली जैसे हम नॉर्मल कुर्ती के रखते हैं वैसे रखने हैं। 14 इंचेस शोल्डर है, मैं यहाँ पे 7 इंच रख रही हूँ हाफ करके। शोल्डर्स डाउन करेंगे 1 इंच, वैसे हम नॉर्मल कुर्ती में जो हाफ इंच करते हैं, लेकिन अगर आप कॉलर वाली कुर्ती बना रहे हो और बिल्कुल कंफर्टेबल चाहिए आपको, तो आपने यहाँ पे 1 इंच रख लेना है। यहाँ पे रखेंगे आर्म होल लेंथ। तो आर्म होल लेंथ जो है आपने शोल्डर से हाफ इंच कम करके रखनी है। ये 7 इंच हमने रखा, तो यहाँ पे रख लेंगे 6.5 इंचेस। शोल्डर से नीचे की तरफ को रखेंगे 14 इंचेस पे कमर, और इसकी जो हिप है उसकी जरूरत नहीं है, ए शेप में हम कुर्ती बना रहे हैं।
वैसे 42 इंचेस, 42 का फोर्थ पार्ट निकालेंगे वो होता है 10.5 इंचेस, वो भी आप किस तरह से निकाल सकते हो। देखिए ये यहाँ पे आया 42, इसको टेप को इस तरह से किया फोल्ड, एक बार फोल्ड करेंगे और दूसरी बार फिर से फोल्ड करेंगे, तो ये देखिए ये जो फर्स्ट वाला फोल्ड है ना, ये 10.5 इंचेस आ रहा है ना, इस तरह से आपने फोर्थ पार्ट निकाल लेना है। तो 10.5 इंचेस हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। वेस्ट लाइन है 36 इंचेस, 36 का फोर्थ पार्ट निकालेंगे हुआ 9 इंचेस। इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से हल्की सी शेप देते हुए मिला लेंगे, आर्मोल की शेप दे देंगे इस तरह से। 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन रख लेंगे सिलाई के लिए। नेक की विड्थ लेनी है हमने 3 इंच। अब इस पॉइंट को यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से और इसको मिला देंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप घेर देख लें कितना रखना है, तो 15 इंचेस तक जो है ना ये घेर बन रहा है। अगर ये ब्लू वाला जो बॉर्डर है ना, अगर ये कुर्ती में नहीं लेना है तो इस तरह से हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे, तो ये जो ब्लू कलर का बॉर्डर है ना, ये हमारी कुर्ती में नहीं आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का डिजाइन चाहिए। अगर आपको ये भी चाहिए तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस तरह से ए शेप दे सकते हो, तो हल्का सा जो है ना ब्लू कलर नीचे की तरफ आएगा घेर में। मैं ये नहीं ले रही हूँ, मैं इतना जो है ना इस तरह से शेप दे के इसे इस तरह से मिला दूंगी, हल्की सी ए शेप आ जाएगी कुर्ती में। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले ये अपर पार्ट की कटिंग कर लेंगे ऐसे, और उसके बाद ये देखिए ये हो गई बॉटम की कटिंग। बस अब इसके ऊपर हमने इसी तरह से ये कटिंग कर देनी है। अगर यहाँ पे कॉर्नर्स नहीं चाहिए तो 3 इंच यहाँ से नीचे की तरफ से ऐसे मार्किंग करने के बाद हल्की सी शेप दे दें इस तरह से, और यहाँ से कर देंगे कटिंग। ये कटिंग हो गई है हमारी। नेक लाइन कट करने के लिए 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और नीचे की तरफ को 1 इंच पे मार्किंग करेंगे, तो हमने इसी तरह से ऐसे ही कटिंग कर लेनी है इसकी। फ्रंट पार्ट को इस तरह से ओपन करने के बाद 3 इंच पे ये मार्किंग की हुई है हमने, नीचे की तरफ को भी 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसको हल्का सा जहां पे ये कट है उससे 1/2 इंच बढ़ा के ऐसे बाहर की तरफ को 1/2 इंच बढ़ा के अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे ये ऐसे। स्लीव्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक जो है ना 4 फोल्ड में रख लिया है। लेंथ ली मैंने 17 इंचेस, 16 इंचेस जो है यहाँ पे हमारी स्लीव्स बच जाएंगी, और 1 इंच का यहाँ पे एक मैं बॉर्डर लगाने वाली हूँ, मतलब इस कपड़े का इस तरह से ये फ्रंट में ना एक प्लीट्स बना के ये बॉर्डर जैसा बना देंगे। 3 इंच पे आर्म होल की शेप देने के लिए मार्किंग करेंगे। बस्ट पार्ट का फोर्थ पार्ट जो है हम यहाँ पे ले लेंगे, तो वो है हमारा 10.5 इंच। 10.5 इंच जो है पूरा कंप्लीट नहीं ले लेना है, उसमें से 1/2 इंच कम करके हम 10 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये 10 इंच पे इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से, जैसे नॉर्मल कुर्तीज की स्लीव्स में देते हैं। बॉटम राउंड जो है वो 11 इंचेस है, उसका हाफ कर लेंगे, 5.5 इंच आता है। 5.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करने के बाद 4 इंच ले लेंगे यहाँ पे प्लीट्स डालने के लिए, यहाँ पे हमने प्लीट्स डालनी है, तो ये 4 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। तो ये हमारी मार्किंग है, इसके बाद हमने रख लेना है मार्जिन, तो इस तरह से यहाँ पे मिला लेंगे इसे। तो फ्रंट की जो शेप देते हैं ना, फ्रंट आर्म होल की, वो मैं इस तरफ दे रही हूँ यहाँ पे, ये इतना जो है ना इस तरह से प्लीट्स आ जाएंगे यहाँ पे। कुर्ती में मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है, लेकिन प्लाजो में लाइनिंग मैं लगा रही हूँ, तो प्लाजो की जो कटिंग है ना पहले हम लाइनिंग पे करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे लेंथ जो है ना प्लाजो की वो है 34 इंचेस,
1.5 इंच जो है ऊपर की तरफ बेल्ट आएगी, तो इतना मार्जिन हमने यहाँ पे छोड़ दिया। तो उसके बाद जो है 34 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद 1 इंच पे मैंने फिर से मार्किंग कर ली है, क्योंकि ऊपर से और नीचे की तरफ से सिलाई में भी जाएगा और फोल्डिंग होगी, तो यहाँ पे हम मार्किंग करके एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। यहाँ पे रखेंगे कमर। तो सबसे पहले हमें हिप की जो मेजरमेंट है वो पता होनी चाहिए। हिप है यहाँ पे 40 इंचेस, 40 का फोर्थ पार्ट करेंगे आता है 10 इंच, तो यहाँ पे 10 इंच मार्क कर लेंगे। और यहाँ 2 इंच जो है ना लूजिंग के लिए ऐड कर लेना है। 12 इंच नीचे की तरफ को मार्क कर लेंगे। अब इस पॉइंट से 2.5 इंच मार्किंग करके इस तरह से एक शेप दे देंगे। यहाँ से यहाँ तक पूरी मेजरमेंट लेंगे, ये है 15 इंचेस, 15 का हाफ कर लेंगे जो होता है हमारा यहाँ पे 7.5 इंचेस। इतना ही नीचे की तरफ को लेना, बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल है। ये 7.5 इंचेस पे मार्किंग कर ली। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन लगा देती हूँ, तब आपको ज्यादा अच्छा से पता चलेगा। बॉटम में पोंचा मैं रखूंगी 12 इंचेस, तो 6 आपने इस तरफ ले लेना है और 6 ही इस तरफ को मार्क कर लेना। ये दो जो पॉइंट आए ना, अब क्या करना है, यहाँ पे इसको मिला देंगे, यहाँ इसको मिला देंगे। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बहुत ही कंफर्टेबल होता है। कटिंग इसकी मैंने कर ली है। अब ये जो है ना यहाँ पे हमने लगाने हैं टक्स, तो इसका हाफ कर लेंगे जितना भी आता है। ये हाफ आया, 4.5 इंच लेंगे नीचे की तरफ को, 1.25 इंच यहाँ पे ले लें और 1.25 इंच ही यहाँ पे ले लें। बस अब इनको आपस में मिला देंगे। तो प्लाजो के फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो प्लाजो की हम कटिंग करते हैं ना, बैक और फ्रंट अलग अलग करते हैं, क्योंकि प्लाजो हमें चाहिए कंफर्टेबल बैठना, उठना जो है ना उसमें कंफर्टेबल होना चाहिए। इसके लिए जो बैक वाला पार्ट है इसको थोड़ा बढ़ा के रखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 इंच बढ़ा के रख लिया है इसे, ये 2 इंच बढ़ा के इस तरह से रखना है। नीचे की तरफ एक बराबर आएगा। अभी इस तरफ भी हमने 2 इंच बढ़ाना है, यहाँ पे हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे। तो मतलब बैक वाला जो पीस है वो बढ़ा के रखेंगे हम। तो देखिए किस तरह से बढ़ाना है, 2 इंच ये ऊपर की तरफ बढ़ा दिया और अब यहाँ पे 2 इंच यहाँ पे बढ़ा देंगे। इस तरह से मिला देंगे इसे सारे में, इसी तरह से 2 इंच बढ़ाते जाएंगे। ये हो गया। अब बैक के लिए भी इसी तरह से शेप दे देंगे। क्रॉच के लिए शेप दे दी। अब देखिए नीचे की तरफ ना 1.5 इंच बढ़ाते जाएंगे। अब इतना हो गया। ये वाला जो पॉइंट है ना, अब इसको यहां पे मिला देंगे। बस अब इसकी हमारी जो ड्राफ्टिंग हो गई ऐसे। ये लिया हमने साड़ी का फैब्रिक, इसको भी डबल करके बिछा लिया। और ये जो बॉर्डर यहाँ पे ज्यादा था ना वो मैंने कट कर लिया ऑलरेडी। यहाँ से यहाँ तक 6 इंच की मार्किंग कर ली इस तरह से। इतना ही बॉर्डर जो है मैं अपने प्लाजो में लेने वाली हूँ। ये जो एक्स्ट्रा है ना ये हम कट कर देंगे। ये है बैक वाला पार्ट, बैक तरह से रखना है कपड़ा ऐसे। बस इतना जो ये जो है ना, इतना कलर ये वाला आएगा हमारे प्लाजो में और सारा ब्लू आएगा, तो ये साइडों में आएगा। इस तरह से मैंने ये लिया है। नीचे की तरफ यहाँ पे जितना भी आपने फोल्ड करना उतना रख लें। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 इंच। ये कटिंग भी हो गई, ये बैक पार्ट की कटिंग हुई है। अभी इसी तरह से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ये प्लाजो का फ्रंट वाला पार्ट है, इसको भी मैंने सेम वैसे ही रखा और इसकी भी वैसे ही कटिंग कर लेंगे। इतना करने के बाद अब ये देखिए ये दोनों जो है ना फ्रंट के पार्ट हैं, ये लाइनिंग है और ये मेन फैब्रिक है। यहाँ से हम इन चारों कपड़ों को आपस में स्टिच कर लेंगे। ये जो क्रॉस शेप दी हुई है ना हमने यहाँ पे स्टिचिंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे टक्स लगानी है। तो ये मैं स्टिच करके बैक पार्ट भी और फ्रंट भी फिर आपको दिखाती हूँ। क्रॉच एरिया में मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है दोनों में, बैक और फ्रंट में। अब ये जो हमने यहाँ पे टक्स लगाए थे इनको भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इन दोनों कपड़ों को एक बराबर करने के बाद इस तरह से पकड़ेंगे इस मार्किंग को और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देंगे ऐसे। ऐसे सिलाई लगा देनी है इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, दोनों तरफ ये टक्स आ गए इस तरह से। अब यहाँ इसके लिए बेल्ट कट की हुई है 2.5 इंच जो है ये फोल्ड करने के बाद है। और इसमें मैंने ये
फ्यूजिंग पेपर जो है ना ऐसे पेस्ट कर दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ये कपड़ा जो है थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है और इसमें अटैच करना भी इजी हो जाता है। अब हमने अटैच कैसे करना, बहुत ही सिंपल है। देखिए आपने इस तरह से रखना है, ये जो रॉन्ग साइड है ना ये हमने ऊपर की तरफ को रखनी है, और ये बेल्ट रख लेनी है ऐसे इस तरह से, इसकी भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रख के यहाँ पे कर देंगे स्टिच। ये सिलाई लगाने के बाद इसको अब ऐसे फोल्ड करेंगे, और जो इसकी राइट साइड है ना उसकी तरफ को दोबारा फोल्ड करने के बाद हमने इसे स्टिच कर देना है। ये जो मार्जिन है ना ये अंदर की तरफ को आ जाएगा ऐसे, और बस इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे और ये हो गई हमारी बेल्ट। इस तरह से ये बेल्ट जो हमारी लग जाएगी, दोनों तरफ से बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है ऐसे। फ्रंट साइड की बेल्ट तैयार करने के बाद बैक साइड वाली जो बेल्ट है वो भी अटैच कर लेंगे, तो उसमें आपने इस कपड़े को रखना है राइट साइड जो इसकी ऊपर की तरफ को रखनी है, उसके बाद जो ये बेल्ट है इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखनी है। बस नॉर्मली जैसे हम नेफा बनाते हैं ना वैसे इसका नेफा बनेगा। ये भी मैंने बेल्ट स्टिच कर दिया। अब इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड लगा के एक, और ये जो मार्जिन है अंदर की तरफ को रखना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। नेफा होता है ना नेफे की तरह ये बन जाएगा, इसमें हमने डालनी है इलास्टिक। ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट में ये नेफा भी तैयार हो गया है। अब इसमें इलास्टिक इंसर्ट करना है, तो इलास्टिक जो है ना रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है ना, ये फ्रंट वाली जो बेल्ट है इसको आप देख लें, इसकी मेजरमेंट ले लें कितना है ये देखिए, ये है हमारा 19 इंचेस। तो 19 इंचेस में से हमने 3 इंच लेस कर देना है, कम करके इतना इलास्टिक हमने ले लेना, मतलब 16 इंचेस जो है इलास्टिक हम कट करेंगे और उसमें इंसर्ट करेंगे, बहुत ही अच्छे से ये आपका फिट आएगा। नेफे में इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे से लास्ट में जो है ना इसे अच्छे से स्टिच कर लेंगे। ये बैक वाली बेल्ट भी रेडी होगी, आप चाहें तो यहाँ इसके सेंटर में भी एक सिलाई लगा सकते हो, इस तरह से इसको स्ट्रेच करके रखें और सिलाई लगाते जाएं। अभी हमने ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच कर देना है, लेकिन उससे पहले जो है ना ये जो लाइनिंग वाले पीसेज हैं इनको फोल्ड लगा देंगे। अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट आपस में अटैच कर देना है, तो यहाँ से ये देखिए ऐसे ये दोनों बेल्ट आ गई इस तरह से। अब साइड की सिलाई लगानी है, दोनों साइड की इस तरह से सिलाई लगा देंगे बॉटम तक नीचे की तरफ। ये मैंने मेन फैब्रिक में भी फोल्ड लगा लिया है पोंचे पर। अब ये सेंटर वाली सिलाई भी हम लगा देंगे, डबल करके ये सिलाई लगा लेंगे। बस अब ये हमारा प्लाजो भी तैयार हो गया है, बॉटम इस तरह से बन गया। ये कलर ये देखिए इतना कलर आया है ये साइड में, इस कलर को ना इसमें लेके तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने ब्लू कलर ही मतलब ब्लू और वाइट कलर का बनाने की सोची थी, लेकिन ना उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर इसमें मैंने ये कलर भी ऐड कर दिया। थोड़ा सा पहनने के बाद ही पता चलेगा कैसा लगता है। तो प्लाजो इसकी कटिंग और स्टिचिंग आप ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। और अगर आप इसे किसी और ड्रेस के साथ भी कैरी करना चाहते हैं ना तो भी कर सकते हैं, जैसे आप टी शर्ट्स वगैरह के साथ भी अगर पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, इतना अच्छा बना है ये। अब करेंगे कुर्ती स्टिच। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ये स्लिट जो है ना उसके लिए फोल्ड करनी है, ब्लैकेट ये कट लगा ना यहाँ से ऐसे हमने फोल्ड कर लेना है। ये सीधी साइड है कुर्ती की, ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ तक स्टिचिंग कर लेंगे, यहाँ तक जो तो दूसरा पीस है उसमें भी इसी तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। जहां तक ये सिलाई लगाई है वहां तक ऐसे एक कट लगा लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ को। ये नेक लाइन आ गई इस तरह से, और नीचे की तरफ को इसे फोल्ड करके अब ऐसे अंदर की तरफ को फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। दूसरा जो पार्ट है उसमें भी इसी तरह से करना है सेम। ये मैंने फोल्ड करके ना अच्छे से आयरन कर लिया, अब इसके ऊपर बस सिलाई लगानी है, तो सिलाई लगाना जो ना बहुत ईजी हो जाता है। बस यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, डबल कर देंगे थोड़ी सी सिलाई यहाँ पे, उसके बाद नीचे तक इसको ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों साइड ये मैंने ब्लैकेट बना लिया है, तो मैंने इसमें लाइनिंग नहीं लगाई है, क्योंकि इस तरह की जो ड्रेसेस हैं वो हम ज्यादातर समर्स में ही पहनते हैं, तो लाइनिंग वाली ड्रेसेस जो है ना पहनी नहीं जाती है, इसलिए मैंने इसमें लाइनिंग नहीं लगाई है। इसके साथ मैं स्लिप का ही यूज करूंगी व्हाइट कलर की। ये जो है ना इस तरह से बनाने का फायदा ये भी है कि आप एज ए शर्ट भी इसको पहन सकते हो, टी शर्ट्स वगैरह के साथ, जैसे आपने जीन्स वगैरह के साथ कैरी करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अब ये देखिए ये दोनों मैंने इस तरह से बना लिए हैं, इनकी राइट साइड ऊपर की तरफ को रख के, और ये लिया मैंने बैक वाला पार्ट, इसकी जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ को रखी है। अब यहाँ शोल्डर से ना ये शोल्डर से इन दोनों को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। स्लीव्स में यहाँ ये मैंने
रफ स्टिच लगा लिया है और यहाँ ये देखिए इस तरह से ना प्लीट्स बना ली हैं। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था हमने 4 इंच, उसकी मैंने प्लीट्स बना ली। अब इतना जो ना ये अब टोटल 6 इंचेस है, तो यहाँ पे मुझे 5 इंच जो है मोरी रखनी है, तो 1 इंच जो मार्जिन हमारा बच जाएगा, मतलब 1/2 इंच इस तरफ 1/2 इंच इस तरफ। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी एक स्ट्रिप, इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखेंगे। ये स्ट्रिप मैंने फोल्ड किया है, मतलब 1/2 इंच जो है ना इस तरह से ये फोल्ड करने के बाद है। इसको ऐसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद फिर इसको मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से करना है। शोल्डर लाइन से ये दोनों मैंने पार्ट अटैच कर लिए हैं। ये जो चीज़ है ना ये ऐसे आएगी आगे की तरफ को, तो यहाँ से सेटिंग बहुत अच्छे से बैठती है, मतलब आपका जो नेक है ना पीछे की तरफ भी नहीं जाएगा। तो स्लीव्स के लिए जैसे मैंने आपको दिखाया था उतनी मैंने ये स्टिचिंग कर ली है। उसके बाद देखिए ऐसे ना एक छोटा फोल्ड लगा के, उसके बाद फिर एक फोल्ड ऐसे लगा देना है, तो ये आएगा, ये जो सिलाई है ना ये राइट साइड की तरफ को आएगी, स्लीव्स की राइट साइड में ऐसे आ जाएगी। एक स्लीव मैंने स्टिच कर ली है, तो ये जो है ना इसका राइट साइड ये है इसकी। ये ऐसी दूसरी स्लीव भी स्टिच कर लेंगे और ये इस तरह से कुर्ती में अटैच कर लेंगे। ये वाला जो कलर है ना ये फ्रंट की तरफ आएगा इस तरह से। तो मैंने इस तरह से कुर्ती की स्टिचिंग की है कि ये जो कलर है ना थोड़ा थोड़ा पूरे सेट में आ जाए, जैसे प्लाजो में भी हमने ये ले लिया और स्लीव्स में भी ले लिया। अदरवाइज मैं ब्लू वाला जो है ना वही फैब्रिक लेके देख रही थी कि अगर मतलब प्लाजो में सिंपल उसी को लिया जाए, ये वाले कलर्स लिए जाए, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने ये जो कलर है ना पूरे में कंट्रास्ट बना दिया पूरे मतलब कुर्ता सेट में। ये स्लीव्स भी मैंने अटैच कर ली है, देखिए इस तरह से ये आ गई है। अब साइड की सिलाई लगा लेंगे, ये ऐसे नीचे तक इसकी सिलाई लगाने के बाद ये यहाँ से ना फोल्ड कर लेंगे पूरे में, इस तरह से हमने घुमा देनी है सिलाई। तो ये इतना करने के बाद फिर हम बनाएंगे यहाँ पे कॉलर। कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले ये देखिए जो नेक है हमारा कुर्ती का, इसकी मेजरमेंट ले लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक छोड़ देना है। ये जो नेक है इसकी मेजरमेंट ले लेंगे ऐसे, ये यहाँ से देखिए ऐसे करके एंड तक, ये 8 इंचेस जो है इसका, तो ये पूरा जो है ना 8 इंच आ रहा है। तो 8 इंच जो है हमारे नेक के यहाँ पे, इस कलर का यूज मैं कॉलर में भी करूंगी। तो इतना ही ये फैब्रिक मेरे पास बचा था, तो ये मैंने इतना पीस कट कर लिया। अब देखिए हमने कॉलर कैसे कट करना है। यहाँ पे सिलाई के लिए मार्जिन रख लेंगे, पहले लेंथ जो है कॉलर की वो लेंगे हम 3.5 इंच, यहाँ से 8 इंच रख लेंगे, इस तरफ से भी 8 इंच रख के बॉक्स बना लेंगे ऐसे। इस तरफ 1/2 इंच ऊपर की तरफ को छोड़ेंगे, यहाँ पे ऐसे हल्की हल्की शेप देते हुए मिला देंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे। अब यहाँ से 8 इंच हमने बराबर कर लेना है, ये 8 इंच बराबर है। अब यहाँ पे भी मार्जिन छोड़ देंगे सिलाई के लिए, और इस तरफ भी, और इसकी कटिंग कर, हाफ इंच यहाँ पे छोड़ के सिलाई लगा लेंगे, और ये जो स्ट्रेट वाली साइड है ना इसको पूरे को कंप्लीट यहाँ स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच के आसपास, यहाँ पे फिर छोड़ देना है। तो जो राउंड शेप दी है ना उस तरफ ये ओपन रखना है। ये बन गया है कॉलर। अब इस तरफ से स्टिच करेंगे इसे कुर्ती के साथ। ये जो ना कुर्ती की राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी है, और ये रखा हमने कॉलर, ये इतना छोड़ा हुआ है ना ये पहले, तो बस यहाँ से ही हमने स्टिचिंग करना स्टार्ट करना है। ये ऐसे पकड़ के यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे। ये एंड तक मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये देखिए ऐसे फोल्ड करके ना मैंने इसको अच्छे से आयरन कर ली। आयरन करने से ना ये चाहे फैब्रिक कैसा भी हो बहुत ही आराम से और बहुत ही फिनिशिंग से स्टिचिंग हो जाती है। तो ये मैंने जो कपड़ा है ना ये अंदर की तरफ को फोल्ड कर लिया, और ये मार्जिन जो है अंदर की तरफ को रखेंगे, और इसके ऊपर फिर से एक सिलाई लगा देंगे ऐसे। ये कॉलर भी तैयार हो गया है। बस अब यहाँ पे काज करने हैं। अगर तो आपको इसको ऊपर रखना है तो आप काज और बटन लगा लें, या फिर ऐसे इसके ऊपर इस तरह से रखा दूसरा प्लेकेट और यहाँ पे बटन टांग दें, तो इसमें क्या होगा कि आपका ये अगर आप ओपन करना चाहोगे ना तो ओपन ही होगा, लेकिन जो लुक देगा ये तो वो बटन्स वाली ही देगा।
जहां तक आपको ये क्लोज करना है आप बटन लगा के इस तरह से क्लोज कर दें, और नीचे की तरफ आप इसे ओपन भी रख सकते हैं। कुर्ती भी बनके तैयार हो गई है, ये रहा इसका कॉलर। आप इसको इस तरह ऐसे भी पहन सकते हो, तो यहाँ पे भी एक बटन लगा लें और ये कॉलर ऐसे आ जाएगा इस तरह से। अगर यहाँ पे बटन लगा लेते हैं, मैंने ऐसे रखा है थोड़ा सा ओपन। ये रही इसकी स्लीव्स फ्रंट में, ये देखिए स्लीव जो है इतनी छोटी है, साइड में क्लोज है, ये फ्रंट से ओपन है, और हल्की सी ये शेप आई है। और कपड़ा जो है ना, मतलब मैंने लाइनिंग नहीं लगाई, तो मुझे अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल रहेगा ये पहनने में गर्मियों में। और बैक से इस तरह से ये ब्लू कलर आया पूरा। तो कैसी लगी आपको ये कटिंग और स्टिचिंग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।